जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मियों में लेडीज़ को और लड़कियों को और जेंट्स को भी कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि उनके फेस ऑयली हो जाता है और जिसकी वजह से उनके फेस में पिंपल्स होने लगते हैं या फिर डार्क स्पॉट्स आ जाती हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक होम मेड रेमेडी बताने वाली हूँ आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक ऐसा फेशियल है जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप घर में बैठ के आप हफ्ते में इसको दो बार भी यूज़ कर सकते हैं, 10 दिन में आप एक बार भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो आपके इंग्रेडिएंट्स किचन में अवेलेबल है वही बस मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो आपको सबसे पहला फर्स्ट स्टेप सबको मालूम है, क्लिनजिंग। सेकेंड स्टेप है स्क्रब एंड थर्ड स्टेप है आपका फेस मास्क। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा क्लिनजिंग। तो आज जो मैं क्लिनजिंग करने वाली हूँ वो सिंपल दही से क्लिनजिंग करने वाली हूँ। अगर आपके पास दही पतली है तो आप उसको पहले छन्नी में छान के रख लीजिए 10 मिनट के लिए। उसका पानी जब पूरा निकल जाए तो जो गाढ़ी दही बचती है उस गाढ़ी दही से आपको अपने फेस पर स्क्रब करना है, इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, आप इस तरह से स्क्रब करेंगे सर्कुलर मोशन में स्टेप बाय स्टेप, आपको एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए। Thank you.
अभी किया था लेटेस्ट क्या है, तो स्क्रब आप स्किप भी कर सकते हो, बट मैं स्क्रब कर रही हूँ यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए, तो आप इस तरह से स्क्रब कीजिएगा। स्क्रब होने के बाद मैंने इसको अच्छे से ठंडे पानी से क्लीन कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप आता है फेस मास्क बनाना। तो फेस मास्क के लिए हमने लिया है दही, थोड़ा सा दही लिया है, दही के अंदर मैंने ले लिया है मेथी पाउडर। मेथी पाउडर यहाँ पे क्या काम करेगा, हमारी स्किन को टाइट करने में हेल्प करेगा। ज़्यादा क्लीन हो चुकी है, आप ये यूज़ करके देखिएगा और आप मान जाएंगे इस रेमेडी को। आप ये यूज़ करके देखिए और आपको इसका असर ज़रूर दिखेगा। गुलाब जल इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर आपकी फेस किसी चीज़ से एलर्जिक है, अगर आपके फेस पे किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो आप ये गुलाब जल यहाँ पे लगाएंगे और गुलाब जल से क्या होगा, आपकी किसी भी चीज़ की रेडनेस, कोई भी आपको अगर जलन हो रही है, तो ये सब आपके फेस पर नहीं होगा अगर आप गुलाब जल अप्लाई कर लेंगे। आप लोगों को आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। एटलीस्ट आप हफ्ते में एक बार नहीं तो दो बार ज़रूर इसे इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो। अगर आपको आज की मेरी रेमेडी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, और मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के साथ लेके आती रहूँगी आगे भी। तो अल्लाह हाफिज़।